नमो नमः तद शब्द रूप पुलिंग। तद शब्द का रूप पुलिंग में किस प्रकार से चलता है, तद शब्द का क्या अर्थ है, इसका उच्चारण किस प्रकार किया जाता है, आज की वीडियो में हम जानेंगे। तद शब्द रूप के बारे में जानने से पहले हमें ये बात ध्यान रखनी है कि इस शब्द का नाम तद है और इस तद शब्द का लिंग पुलिंग है और इस तद शब्द का अर्थ वह उस उन है और यह दकारांत शब्द है और हलंत शब्द है। आइए अब हम ये जानेंगे कि तद शब्द का रूप किस प्रकार से चलता है और उसका उच्चारण किस प्रकार से किया जाता है और तद शब्द का क्या अर्थ है। जैसा कि आप जानते हैं कि हर एक शब्द रूप में 8 विभक्तियां होती हैं और 3 वचन होते हैं। जैसा कि यह शब्द सर्वनाम है इसलिए इसमें 7 ही विभक्तियां होती है, संबोधन विभक्ति नहीं होती। 7 विभक्तियां हैं प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी, और 3 वचन हैं एकवचन, द्विवचन और बहुवचन। इनके उच्चारण की आवश्यकता नहीं है, शब्द रूप के उच्चारण के समय इन्हें केवल ध्यान में रखना चाहिए। आइए उच्चारण किस प्रकार से करना है ये देख लेते हैं। सह, तौ, ते, तम, तौ, तान, तेन, ताभ्याम, तैः, तस्मै, ताभ्याम, तेभ्यः, तस्मात्, ताभ्याम, तेभ्यः, तस्य, तयोः, तेषां, तस्मिन्, तयोः, तेषु। इस प्रकार इस शब्द का उच्चारण करना चाहिए। आइए अर्थ भी समझ लेते हैं। सह मतलब वह, तौ मतलब वह दोनों, ते मतलब वे सब, तम मतलब उसको, तौ मतलब उन दोनों को, तान मतलब उन सबको, तेन मतलब उसके द्वारा, ताभ्याम मतलब उन दोनों के द्वारा, तैः मतलब उन सब के द्वारा, तस्मै मतलब उसके लिए, ताभ्याम मतलब उन दोनों के लिए, तेभ्यः मतलब उन सब के लिए, तस्मात् मतलब उससे, ताभ्याम मतलब उन दोनों से और तेभ्यः मतलब उन सब से, तस्य मतलब उसका, तयोः मतलब उन दोनों का, तेषां मतलब उन सब का, तस्मिन् मतलब उसमें, तयोः मतलब उन दोनों में, तेषु मतलब उन सब में। तो इस प्रकार से इसका उच्चारण किया जाता है और इस प्रकार से इस तद शब्द रूप के ये अर्थ होते हैं। बाकी वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। नमो नमः।